अगर आप डेली एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको पांच चीजें एक्सरसाइज करने के टाइम पे जरूर पहननी चाहिए। सबसे पहली चीज आती है इसमें आपके शूज। शूज पहनना तब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उस केस में आपको शूज जरूर पहनना चाहिए। अगर आप कोई लो इंटेंसिटी वाले वर्कआउट करते हैं या ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपको जंप्स नहीं करने हैं तो आप बिना शूज के भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप योगा कर रहे हैं उसमें भी आपको शूज पहनना कंपलसरी नहीं है। शूज आपके लाइट वेट होने चाहिए, आपके पैर के साइज के हिसाब से आपको लेने हैं, ना तो छोटे लेने हैं और ना ही ज्यादा बड़े लेने हैं। अगर आप जिम जाते हैं, जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो आपको स्टिफ सोल वाले शूज लेने चाहिए, जिसका जो सोल है वो बहुत ज्यादा से स्पॉन्जी ना हो, एकदम मतलब से मुलायम सा ना हो, थोड़ा हार्ड होना चाहिए, वो आपको वेट लिफ्टिंग के टाइम में आपको पैरों को अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। वहीं अगर आप रनिंग करते हैं तो आपके जो शू का सोल है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, और आपका जो शू है वो इस तरीके से आगे से इस तरह से मुड़ने वाला होना चाहिए जिससे आपके जो पैरों के अगला वाला हिस्सा है उसको सही सपोर्ट मिले और आप आराम से अच्छी तरीके से रनिंग कर पाए। शूज की जगह पे आप स्नीकर भी पहन सकते हैं। चप्पल पहन के कभी भी ना तो रनिंग करें ना ही कभी कोई एक्सरसाइज करें। अगर आपके पास इस वक्त शूज अवेलेबल नहीं है तो आप नंगे पैर एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी चप्पल पहन के एक्सरसाइज ना करें, ये आपके पैरों को नुकसान पहुंचा सकता है, पैरों में आपको दर्द की दिक्कत इससे हो सकती है। दूसरी चीज आती है आपके स्पोर्ट्स ब्रा। महिलाएं जो डेली एक्सरसाइज करते हैं उनको स्पोर्ट्स ब्रा पहनना बहुत जरूरी है। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि उनका जो ब्रेस्ट साइज है वो काफी कम है तो उनको स्पोर्ट्स ब्रा पहनने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हर किसी को वर्कआउट के टाइम पे स्पोर्ट्स ब्रा पहनना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप जंपिंग वाले एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, तो ये जरूरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सरसाइजेस के टाइम पे ब्रेस्ट में 4 से 5 इंच का मूवमेंट होता है। अगर उस वक्त ब्रेस्ट को सही सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इससे आपकी मसल्स लूज हो सकती है, आपको सेगिंग ब्रेस्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेच मार्क्स की दिक्कत आपको हो सकती है, और कई बार ब्रेस्ट पेन जैसी दिक्कतें भी हो सकती है। तो आपको सही साइज की सही शेप की स्पोर्ट्स ब्रा पहनना भी बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स ब्रा भी आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से अलग अलग तरीके की आती है। अगर आप लो इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो आपको लो इम्पैक्ट वाली स्पोर्ट्स ब्रा पहननी चाहिए। अगर आप हाई इंटेंसिटी वाले वर्कआउट्स करते हैं, रनिंग करते हैं, उस टाइम पे आपको हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स ब्रा का सिलेक्शन करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको इसके फैब्रिक का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत हार्ड फैब्रिक या ऐसा फैब्रिक जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए वो आपको नहीं पहनना चाहिए। ब्रॉड स्ट्रैप वाले स्पोर्ट्स ब्रा का सिलेक्शन आपको करना चाहिए जिससे आपके शोल्डर्स को सही सपोर्ट मिले और आप एक्सरसाइज करने में कंफर्टेबल हो। तीसरी चीज आती है आपके जो वर्कआउट ड्रेस है वो कैसी होनी चाहिए। आपकी जो वर्कआउट ड्रेस है वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप एक्सरसाइज करते हुए कंफर्टेबल हो। अगर आप योगा कर रहे हैं तो आपकी जो एक्सरसाइज ड्रेस है वो फुल्ली स्ट्रेचेबल होना चाहिए, इससे आपको योगा स्ट्रेचेस करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। हाईली स्ट्रेचेबल ड्रेसेस का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। बहुत ही मोटा फैब्रिक आपको एक्सरसाइज के टाइम पे नहीं पहनना चाहिए। हमेशा ऐसा फैब्रिक का सिलेक्शन करें जिसमें आपका जो स्वेट है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए और जल्दी सूख भी जाए। अगर आप किसी ऐसे फैब्रिक का सिलेक्शन करते हैं जो बहुत देर से सूखता है तो उसमें आप काफी देर तक स्वेट में रहते हैं जो आपकी स्किन के इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो इसलिए आपको कॉटन ब्लेंड, लाइक्रा या फिर नायलॉन के कपड़ों का सिलेक्शन करना चाहिए। इसके साथ साथ आपका वर्कआउट ड्रेस आपको बहुत ज्यादा टाइट या लूज नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा लूज कपड़े पहनते हैं तो ये आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी पे, आपकी परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट असर डालता है। तो इसलिए सही फिटिंग के और वो फैब्रिक जो आपको कंफर्टेबल हो उसका इस्तेमाल करें। में आती है आपके हेयर और आपका मेकअप। अगर आप जिम जाते हैं या फिर आप घर में भी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो कभी भी अपने फेस पे किसी भी तरीके का मेकअप अप्लाई ना करें। अगर आपने मेकअप अप्लाई किया हुआ है, अगर आप शाम को सपोज की एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिन में आपने मेकअप किया है, तो पहले आप अच्छी तरीके से फेस वॉश कर लें, उसके बाद में एक्सरसाइज करें। इसका कारण ये है कि अगर आपने फेस पे मेकअप अप्लाई किया हुआ है या फाउंडेशन सपोज लगाया हुआ है, किसी तरीके की क्रीम आपने अगर अप्लाई की हुई है, उसके ऊपर जब आपको स्वेट आता है तो ये आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम दे सकता है या आपको कई बार इससे स्किन रैशेज हो सकते हैं। कुछ फाउंडेशन या कुछ क्रीम ऐसे होते हैं जो आपके स्वेट के साथ में केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं जिसका डायरेक्ट असर आपके फेस पे होगा। तो हमेशा बिना मेकअप के आप एक्सरसाइज करें। अगर आप ओपन स्पेस में कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं जहां पे आप डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप कोई मॉइस्चराइजर या फिर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल अपने फेस पे आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको मेकअप नहीं करना है।
दूसरी चीज आती है हमारे बालों के बारे में। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने बालों को ना तो बहुत ज्यादा टाइट बांध के रखें और ना ही बिल्कुल ऐसे खुला छोड़ें। बालों में कम से कम एक्सेसरीज का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा क्लिप्स या हेयरबैंड ये सब आपको नहीं लगाने चाहिए, ये आपको डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है आपकी एक्सेसरीज। कुछ लोग होते हैं जो घर से जब निकलते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एक्सेसरीज पहनने का शौक होता है, जैसे गले में हम चेन या माला पहन के रखते हैं, बहुत सारी बैंगल्स पहन के रखते हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इन सारी चीजों को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि बैंगल्स पहन के अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपको डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है, और अगर आपने कांच का बैंगल पहना है तो वो टूट के आपको लग भी सकता है, आपको हार्म कर सकता है। उसके अलावा अगर आपने चेन या माला कुछ पहना हुआ है तो ये चीजें भी स्वेट के साथ में आपके बॉडी में इरिटेशन पैदा कर सकती हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि कम से कम एक्सेसरीज आप पहने जिस वक्त आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके की और वीडियोस मेरे चैनल पर लगातार आती रहेंगी। स्टे ट्यून्ड, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।